और भाई कैसे हो? अरे हेलो गाइस, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं टेक अलोंग। और आज मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखाने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को थोड़ा हिला सकता है। तो आप की ऊपर है, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते। हम मिलके बस एनालाइज करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, आइडियली क्या सही है और क्या नहीं है। तो जिसके जैसे कंफर्टेबल है वो वैसा कर सकता है। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है यार, कि हमें बाय करना चाहिए या होल्ड रखना चाहिए, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और करेंसी टू करेंसी, इन दोनों चीज़ पे वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है जो मान लो कि जिसको छोटा छोटा प्रॉफिट से वो सेटिस्फाइड है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छी है। पर अगर कोई पर्सन है जिसको चाहिए कि भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट करके रखनी है, अब मैं छोड़ दूंगा ये पैसा, अब मैं देखूंगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सही है। कई बार लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लगा के छोड़ सकें, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सही है कि 5,000 लगाए, 10,000 लगाए, 400-500 रुपये मिल रहे हैं, ले लिए। तो इस हिसाब से ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब करेंसी टू करेंसी वेरी कैसे करता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब जैसे कि मैं बात करूँ XRP करेंसी की, तो XRP करेंसी में जो फ्लक्चुएशन होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। वो जैसे 105 देन 6-7 मैक्सिमम, तो वो एक दो करेंसी ऊपर नीचे होता रहता है। मतलब बहुत ही स्टेबल करेंसी है, जब वो ऊपर जाता है तो जाता है, बट जब वो ऊपर नीचे होता है तो आसपास ही होता रहता है। बट अगर हम बात करें विंग करेंसी की, तो विंग करेंसी में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और इसके ऊपर नीचे होने का मैंने काफ़ी प्रॉफिट भी उठाया है। तो अगर हम एनालाइज करें कि जैसे कि मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और अभी हम इसको मान लेते हैं कि ये विंग करेंसी जो है ये 1,000 रुपये पे है, ठीक है, बाय पे लिया। मान लो मैंने 1,000 रुपये पे 10,000 रुपये की करेंसी ले ली, तो मेरा जब ये 1,500 हो जाएगी तो मेरा प्रॉफिट बन जाएगा 15,000, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जब हम होल्ड करके रख रहे हैं और जब वो 1,000 से 1,500 पहुँच रहा है, तो हमारा टाइम हो रहा है, पैसा हो रहा है 15,000। लेट्स से वो 1,000 से 15 पहुँच रहा है, मान लो 3 हफ्ते में, 21 दिन मान लेते हैं, वैसे तो ज़्यादा ही लगते हैं क्योंकि इसको आए हुए बहुत टाइम हो गया और ये 15 तक अभी गया नहीं है, 14 तक गया था मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि 21 दिन में ये जा रहा है, मुझे 50% प्रॉफिट दे रहा है, तो ये हमारा है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। इसको लॉन्ग टर्म मानते हैं, इतना लॉन्ग टर्म नहीं है ये, बट क्योंकि हमारे पास इतना वीडियो का लंबा टाइम नहीं है तो इसमें ही करते हैं। तो अभी आप अगर मान लें कि हमने 10,000 रुपये का मान लो विंक लिया, ठीक है, और कितने पे लिया, 1,000 रुपये पे, ठीक है। अभी मान लो ये जाता है 1,200 पे और मैं इसको सेल कर देता हूँ, 1,000 पे लिया और मैं यहाँ गया और मान लो इसको मैंने 1,200 पे सेल कर दिया, तो मेरे पास कितने आ गए, 12,000। तो मेरे पास 10,000 के बन गए 12,000, करेक्ट। अभी मैंने जैसे ही इसको 12,000 का बेचा, तो सेम प्राइस पे मैंने, तो यहाँ मैं प्रॉफिट लिखता जाता हूँ, 2,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो अभी मेरे पास है 12,000, ठीक है। उसके बाद मैंने इमिजिएटली 6,000 रुपये लगा दिए, जैसे ही बेचा इसी रेट पे मैंने 6,000 रुपये लगा दिए। 6,000 क्यों लगाए, कि अगर तो ये ऊपर जाता है तो मैं 6,000 वाला बेचूंगा, बट अगर ये नीचे जाता है तो मैं क्या करूंगा, तो 6,000 का मैंने ले लिया इस रेट पे, ठीक है। उसके बाद लेट से ये नीचे गया, क्योंकि ये लगातार तो ऊपर जाएगा नहीं, 1,000 से 1,200 तक आ गया है तो फिर ये नीचे जाएगा ऑब्वियसली, कल ही मैंने ये नोटिस किया। तो उसके बाद ये कल गया था 1,210 तक, ठीक है, उसके बाद ये अभी आ गया है 1,110 पे। सो लेट से ये आ जाता है, तो हमने एक ये लिया हुआ है 6,000 पे, हमने एक लिया हुआ है 1,200 रुपये का, ठीक है, एक ये हमने लिया हुआ है, ये हमारा परचेज है, यहाँ लिख लेते हैं परचेज। अब मान लीजिए ये आ गया 1,110 पे, ठीक है,
11-10 पे आ गया, तो मैंने कहा यार मेरे पास जो दूसरा 6,000 पड़ा है, क्योंकि 12 में से 6 लगा दिया, तो अभी जो बाकी 6,000 पड़ा है मैं उसका वो ले लेता हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर ले लिया इतने का, ठीक है, तो मेरे पास 2 आ गए 6,000 पे। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी आ गई, मतलब ये ले लिया 1110 पे। अब जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, मान लो फिर 1200 पे आ गया, तो ये 6,000 मुझे फिर से प्रॉफिट देगा। तो इसको मैं करके देख लेता हूँ, 1200, तो यानी मेरे पास 486 रुपीस और आ गए, ठीक है। अभी हम कमीशन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ना तो इसमें रखा और ना ही इसमें रख रहे हैं, तो 486 रुपीस और आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये तो मेरा ये वाला बिक गया अभी, ठीक है, अब मेरे पास सिर्फ ये बचा और 6,000 रुपये और बचे, क्योंकि ये तो प्रॉफिट है यानी, ठीक है। तो यानी अब हमने मान लो इससे गया 1300 पे, अब थोड़ा जल्दी करते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो अब मान लो ये यहाँ से गया फिर 1300 पे, ठीक है, 1300 पे जाने पे मैंने ये वाला भी बेच दिया, 1200 का लिया था। तो ऑल एंड ऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हम किसी ऐसी करेंसी में लगाएं शॉर्ट टर्म के लिए जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। तो अभी आप देखो ये 1200 तक पहुंचा था और मेरा 2500 रुपये आ चुका है, जबकि 1200 पे अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो मेरा मेरा 2000 ही आना चाहिए था, करेक्ट। तो क्योंकि हमारा प्रॉफिट भी लगता जाता है तो हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है। तो जब तक ये 15 तक एक्चुअल में पहुंचेगा, तब तक हम अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें 15 ही मिलेगा, बट अगर हम अपना प्रॉफिट भी लगाते रहते हैं, बेचते खरीदते रहते हैं, जैसे ही वो नीचे जाए तो आधा बेच दें, आधा पैसा रखें, और नीचे जाए फिर आधा लगा दें, ऐसा ऐसा आप लगाते रहोगे तो आपको जो ऊपर नीचे होता है ना फ्लक्चुएशन, उसका भी बेनिफिट मिलता रहेगा। तो जब तक ये 15 तक पहुंचेगा, तो जो उसने सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रखा है उसको तो 15,000 मिलेगा, आप 18-19 तक भी पहुंच सकते हो अगर आप के पास इतना टाइम हो। ये सबसे मेन फैक्टर है, अगर किसी के पास टाइम है और नॉलेज तो ऑब्वियसली है, तो वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकता है अगर वो बार बार बाय एंड सेल करता है। बाय एंड सेल कैसे करना है, पहले जैसे ही बेचा उसके प्रॉफिट, जैसे अगर टोटल 12,000 आ गए, 10 का 12,000 आ गया, तो उसका आधा जैसे 6,000 का इमीडिएटली ले लो, अगर ऊपर जाता है तो उसको बेच दो, अगर वो नीचे आता है तो बाकी बचे 6,000 का ले लो, फिर जैसे ही वो ऊपर जाता है तो जो अभी लिया था 6,000 का उसको बेच दो, फिर से नीचे आता है फिर ले लो 6,000। ऐसे जितनी भी बार फ्लक्चुएशन होती है तो आप उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और आपका प्रॉफिट बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉफिट भी लग रहा है, अब आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है आपके प्रॉफिट वाले अमाउंट पे मिल रहा है, करेक्ट। तो ये मेरा कहने का मतलब था, बहुत सारे फैक्टर्स जो मैंने अभी वीडियो में बताए, टाइम और कौन सी करेंसी और किस पर्सन, सो इन तीन चीज़ों पे ध्यान रख के आप लगाओ। तो XRP पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लगा के छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, क्योंकि उतना फ्लक्चुएशन उसमें नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू विंक। तो विंक में मैं कहूँगा, चाहे बाकी यूट्यूबर्स कुछ भी बोले, मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा अगर टाइम है तो बाय एंड सेल करो, लॉन्ग टर्म होल्डर वाले से आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं बहुत कमा चुका हूँ बाय एंड सेल करके ही। विंक की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी, तो करेंसी टू करेंसी वेरी करता है। तो बाकी ये मेरा एक एडवाइस है, बाकी आपके ऊपर कॉल है, क्योंकि आपके पैसे, आपका टाइम, आपका सब कुछ। तो अगर वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।